यादव आप सभी का TMIS होम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम आपकी जो नेकी किताब है पंखुड़िया उसका जो पार्ट है 15 बस्ता और जूता का अगला भाग समझेंगे, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर मधुपन। डॉक्टर मधुपन ने ये बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है जो कि क्या है, बस्ता और जूते के ऊपर है। पिछले भाग में हमने इसके शब्दार्थ समझ लिए थे और इसका छोटा सा भाग एक देख लिया था जिसमें हमें बताया गया था कि जूता और बस्ता है दोनों किससे परेशान है, पर इससे परेशान है और दोनों अपनी पीड़ा का कारण है एक दूसरे को बताते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं जो कि है पेज नंबर 98। बस्ता कहता है, ठीक यही तो मेरा भी रोना है, मैं भी किताबें कॉपियां रखने के लिए बना हूँ। यार बस्ता कहता है, बोले हाँ ऐसा मेरा भी हाल तो यही है, मैं भी तो ऐसे तो हूँ नहीं, मुझे भी किस लिए बनाया गया है, मुझ में कॉपी और किताब रखी जाए इसलिए मुझे बनाया गया है। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ पे जिल्द का मतलब है उसका कवर चढ़ाना, उसे किताब को ऊपर का भाग जो कवर करते हैं वो। तो यहाँ पे बोले मुझे भी यही अच्छा लगता है कि मुझे मुझ में लोग क्या करें, अपनी किताबों को अच्छे से कवर करें, अच्छे से ढाके, उसे अच्छे से सजा कर रखें और उसके बाद मुझे अपने अंदर रखें। मुझे ऐसी किताबें रखना ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कॉपियां की जिल्द पर सुंदर लिखाई में नाम और विषय लिखा दे मैं भी खुश होता हूँ। और मुझे भी कब अच्छा लगता है जब अच्छी किताबें उनपे अच्छे से उनको कवर किया गया हो, अच्छे से ढका गया हो और उनपे अच्छे से नाम लिखा गया हो और उसमें सुंदर लेख लिखे गए हो, तभी ऐसी किताबें ही और नोटबुक मुझे मेरे अंदर रखना बहुत अच्छा लगता है। पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब वो कह रहा है बड़े यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपियों की जिल्द पर सुंदर लिखाई में नाम विषय लिखना देख में भी खुश होता हूँ। बोले उनपे सुंदर हैंडराइटिंग से नाम लिखा हुआ अच्छे से कवर किया हुआ मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। बिना किसी कारण के ढेरों ऊटपटांग चीजें मुझमें ठूंस ठूंस कर भर दी जाती हैं, चाहे उनके लिए रखने की जगह हो या ना हो। अब यहाँ पे कह रहा है बस्ता कि बोले जो काम की चीज हो वो भी और जो काम की चीज ना हो, ढेरों ऊटपटांग मतलब जो काम की ना हो, जो किसी भी काम ना आए ऐसी ऊटपटांग मतलब फालतू की चीजें मुझमें ठूंस ठूंस कर मतलब जबरदस्ती ना बने उसके बाद भी ठूंस ठूंस कर मुझमें भर दी जाती है। अब देखो ना परेश टापू खेलने के लिए पत्थर गेंद लट्टू चक्कई के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझमें भर देता है। अब देखो वो बस्ता बैग क्या कह रहा है, जूते बोले तुम ही देखो। अब देखो ना कि परेश परेश क्या कहता है, स्टापू खेलने के लिए मतलब जो स्टापू जो धरती पे हम एक तरह का एक आकृति बनाते हैं उसके बाद उछल उछल के खेलते हैं, कूद कूद के खेलते हैं पत्थर से, उसे स्टापू कहते हैं। स्टापू खेलने के लिए क्या करता है, वो पत्थर रख लेता है, गेंद रख लेता है मतलब बॉल रख लेता है, उसके बाद लट्टू जो हम खेलते हैं भूमिडा लट्टू जिसे कहते हैं वो रख लेता है, और चक्कई के अलावा और चक्कई जो घुमाने वाली आती है चक्कई, उसके अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझमें भर देता है। यहाँ पे बस्ता कह रहा है कि मुझमें किताबें तो रखता ही है उनमें भी अच्छे से कवर नहीं करता है परेश, उसके बाद फालतू की ऊटपटांग चीजें जो काम की नहीं होती हैं ऐसी चीजें भी जैसे कि स्टापू है गेंद है लट्टू है चक्के के अलावा दुनिया भर की फालतू की चीजें मुझे भर देता है, कचरे की तरह भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में या मेरे दुख और कष्ट के बारे में नहीं सोचता, लेकिन कभी भी उसे मुझ पर दया आती नहीं है, कभी वो ये नहीं सोचता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मुझे कितनी परेशानी होती है, मैं कितना थक जाता हूँ। उस तरीके से बस्ता अपनी कहानी में वो जूते को बता रहा है। उसके बाद जूता कुछ कहता है, जूता क्या कहता है, तुम एकदम सही कहते हो दोस्त, इस परेश ने मेरा हाल भी खराब कर डाला है। या फिर हाँ दोस्त तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, इस परेश ने मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है, तुम्हारी तरह मैं भी इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। क्या है जब ये रास्ते में आता है जाता है तो चलते फिरते क्या करता है, कैसा भी पत्थर पड़ा हो कुछ भी पड़ा हो उसमें जोर से ठोकर मारता है, जिससे क्या है मुझे बहुत तेज दर्द होता है, मेरी भी पीड़ा समझ पाता नहीं है। इसलिए तो जूता अपनी जो व्यथा है वो बस्ता को कहता है। आगे क्या कहता है,
कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, और कुछ भी काम ना हो फिर भी चलते फिरते क्या करता है, दीवारों पर ऐसे लात मार मार कर मुझे चोट पहुंचाता है। इससे दीवारें खराब होती हैं और साथ ही मुझे भी चोट पहुंचती है। इससे तो क्या होता है, दीवारें भी खराब हो जाती हैं और मुझे भी बहुत तेज चोट लगती है। इस तरीके से जूता कहता है। कभी कीचड़ में चलकर मेरा हुलिया ही बिगड़ जाता है। कभी कभी तो क्या करता है कि बिना वजह ऐसे ही मुझे पहनकर कीचड़ में, जहाँ गंदा पानी हो कीचड़ हो उसमें भी चलकर मुझे खराब पड़ता कर देता है। कभी सोचता ही नहीं कि उसकी इन हरकतों से दूसरों को कष्ट हो रहा होगा। कभी यही नहीं सोचता है कि वो जो ये हरकतें कर रहा है उससे क्या है, दूसरों को भी कष्ट पहुंच रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। यदि कभी उसके बाद क्या कहता है, यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी। यदि वो कभी मुझ पर पॉलिश लगाए, जूतों पर मतलब मुझ पर पॉलिश लगाए और मुझे चमकाए तो मुझे भी तो खुशी होगी। लेकिन ऐसा वो कभी करता नहीं है। क्या करता है, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, अगर उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बस मुझे पहन लेता है, चलते चलते इधर उधर दीवार में ठोकरें मारता है, पत्थरों को मारता है और बिन वजह कीचड़ में भी चलकर मुझे गंदा कर देता है। लेकिन यदि कभी वो मुझसे पॉलिश लगाए, मुझे चमकाए तो मुझे भी कितनी खुशी होगी। इस तरीके से जूता अपनी व्यथा कहता है। उसके पैरों में तो कांटे नहीं चुभते, ना वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा हो। उसके पैर में तो कांटे चुभते नहीं है क्योंकि वो तो क्या मुझे पैरों में बैठे रहता है। इससे उसे तो पता नहीं चलेगा कि कांटा क्या होता है, क्योंकि कांटे तो मुझे लगते हैं क्योंकि मैं उसके पैरों में होता हूँ। यदि उसे कांटे लगे तो उसे पता चले कि दर्द क्या होता है, उसे महसूस हो। आगे क्या होता है, बस्ता। अब बस्ता कुछ कहता है। बस्ता क्या कहेगा, देखिए तुम ठीक कह रहे हो। बोले हाँ हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। यहाँ पे देखो बस्ता कुछ बता रहा है। बोले हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। यदि परेश को ये सब पीड़ा मतलब ये सब दर्द महसूस होता, यदि वो समझता तो क्या करता, रवि की कॉपी मतलब उसका जो विद्यालय में उसका जो दोस्त है उसकी कॉपी चुपचाप उठाकर अपने बस्ते में मतलब अपने बैग में क्यों रखता। इस तरीके से बस्ता कह रहा है। मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है। अब यहाँ बस्ता कह रहा है, मैं चीख चीख कर परेश को मना करता रहा। बोले चोरी करना गलत बात है, तुम रवि की किताब अपने बस्ते में मत रखो। फिर भी वो उसकी बात मानता नहीं है। ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर स्तंभ से झुक गया। अब सीधी सी बात है, जब किसी की नोटबुक खो जाएगी चुरा ली जाएगी तो बस्तों की चेकिंग तो की जाएगी। तो यहाँ पे बस्ता कहता है, बोले उसने चुपचाप रवि की किताब क्या की उठा के मेरे अंदर रख ली। मैंने उसे मना किया लेकिन उसे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, विद्यालय में सभी बच्चों की किताब जो बस्ता है चेक किए गए तो सीधी सी बात है मेरे अंदर ही निकलेगी। तो जब मेरे अंदर जब उसकी किताब निकली तो मेरा जो सिर है वो स्तंभ से झुक गया। यहाँ मुहावरा मतलब सबके सामने क्या हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। सिर झुकना मतलब सबके सामने शर्मिंदा हो जाना, सबके सामने उसकी पोल खुल जाना। आगे क्या होता है, जूता। अब जूता कुछ कहता है, सन से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पिटा मेला कुचेला और बदसूरत मैं ही था। अब देखो जूता क्या कह रहा है, सन से तो मेरा भी झुक झुक गया था, बोले मेरे भी सबके सामने शर्म आई थी। कब, जब क्या हुआ कि कक्षा में सब बच्चों का और जूतों का निरीक्षण मतलब सभी बच्चों का जूतों का और क्या होता है कपड़ों का निरीक्षण किया गया, मुआयना किया गया, चेक किया गया। तो उस समय क्या होता है, सबसे घिसा पिटा और मेला कुचला मतलब सबसे घिसा पिटा मतलब सबसे खराब जूतों की जो कंडीशन थी वो किसकी थी, मेरे जूतों की थी। मेला कुचला और सबसे ज्यादा गंदा बदसूरत मतलब जो पसंद ना आए, दिखने में बहुत गंदा लग रहा हो, ऐसा हाल कैसा था। इस तरीके से जूता अपनी कविता कहता है कि जब क्लास में कक्षा में जब क्या किया गया, निरीक्षण किया गया, पता किया गया कि सबसे अच्छे जूते किसके हैं तो उसमें सबसे खराब नंबर मेरा था क्योंकि मैं क्या था एकदम गंदा रखा था और बिल्कुल घिसा और बुरी तरीके से बदसूरत मतलब अच्छा ना दिखने वाला मैं ही था। पर मेला कुचला होने से भी ज्यादा शर्मनाक चोरी का काम है। बोले वो तो बात सही है लेकिन मेला कुचला तो बात सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म वाली बात क्या है कि चोरी करना। बोले उससे भी गलत बात क्या है, चोरी करना है जो कि परेश को समझ में आती नहीं है।
तो बच्चों यहाँ पे हमने दूसरा भाग इसका देख लिया है। तो इस भाग में यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।